हेलो हेलो सिस्टर मादर फादर लेडी जेंटलमैन बदलो गुड नाइट। मेरे प्यारे भाइयों नाइयों गसाइयों हलवाइयों नड़ुए भाइयों, आप लोगों की सेवा करने के लिए हम आ गए। घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, जमीन पे बैठने वाले जमींदारों, कुर्सी पे बैठने वाले चेयरमैनों, चार भाई पे बैठने वाले हमारे मेहमानों, जो दाएं बाएं सामने खड़े विधानसभा के उम्मीदवारों, आप सबसे हाथ जोड़ कर अनुरोध है कि जितने भाई हमारे दाएं बाएं सामने खड़े बांस बल्ली पकड़े उसको छोड़ करके कोई दूसरा सामान पकड़ लें, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, छोटे वाले भाइयों, आप सभी को हमारी तरफ से जय राम जी की। और जितने हमारे जवान भाई आए हुए हैं इनके लिए हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और जितने हमारे दादा मौसम बनाए बैठे इनके लिए, दो दादा नहीं आ पाए, चलने से मजबूर हैं, खटिया पर लेटे हुए हैं, उनके लिए हमारी तरफ से टाटा भाई भाई आई लव लव। या नाच नौटंकी का ससुरी खुराफात हो रही है, ये नौटंकी यू नहीं मालूम कौनी से मजा आ जाए, मजा कोनो टाइम नहीं है। कहा सवा संजय मजा आ जाए, कहा वा धीरा तुम आवे, और कहा पछिलहरा सुबंध मजा आ जाए जाने न पाऊ, और कहा खड़े खड़े मजा आ जाए, कहा बैठे बैठे आ जाए, और कहा खसकी खसकम मजा आ जाए। जैसे जी का लल्हा मजा लिए थे तो कोई के घर में कूद जा बोले लल्हा मजा आ जाए। मजा कोनो टाइम नहीं कौनी सहित मजा आ जाए, यही मजा में परेशान रहन भैया। वो दिन घर का गन बप्पा कहा लाग बेटा 18-19 साल के हो गए हो और कहूँ चले जाओ रुपया कमा के लाओ हमारे हाथ में धरो और हम देखी तब तुम्हार शादी कह दे गौन ला दे दुल्हीन ला दे वही करो खाओ। दुल्हीन का चिंता दिमाग में घुसगा सबेर बाबा सब कोई खेते चला गया हम गन भूसम घुस गए बैठे उमा गोहूँ बोरिया टोई कौन गोहूँ आए दुई बोरिया गोहूँ निकारे चौराहा बेचन गाड़ी बैठे नटन लखनऊ पानी टिकनी लगे उतर ली हुआ गहन बस काम ढूंढ शुरू कर दिन काम ढूंढत ढूंढत 12 बज का कहूँ काम है नहीं लाग सवेरे खाए वाले मनाई दोपहर हो गए उधर हमारे भूख लागे लाग तब तक देखा ऐसे जगह जगह भंडारा जुटियान रहा है हमारे दिमाग मावा कि बिन पैसा भोजन ही भंडारम घुसरो कर लियो और कहा जन करग मिले कि ना करग मिले घुसरन भंडारम तब दिमाग मावा कि 3-4 दिन का भोजन इकट्ठा कर लियो और कहा जनी 3-4 दिन काम लागे कि ना लागे 3-4 दिन के भोजन 30-40 पूरी 10-15 प्लेट हिलुआ दही के दाब दिन खा पी के भंडारक बाहर निकलन बस काम ढूंढक शुरू कर दिन काम ढूंढते रहन 10-15 मिनट बीते वही डालडा पूरी रवा खिलुआ 3-4 दिन का इकट्ठा होगा वो अपन मौसम बनावे लाग अब हमारा पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करे लाग हमका भागे दियो थोड़ा आगे बढ़न देखा परचून के दुकान खुली रह गए 5 रुपये खजमोला लेहन खाएन थोड़ा आराम मिला बस काम ढूंढक शुरू कर दिन काम ढूंढते रहन 10-15 मिनट बीते वही डालडा पूरी रवा खिलुआ पागे हजमोला बपनाक परेशर समुला उठा के मोहड़े के धई दिन अब हमार पेट टोए टोए हुए लाग हमका भागे दियो हमारे दिमाग मावा कि सब बोझा रुक जाइए बोलाइयो बोझा न रुकी भागे जैत रहा जने दादा खड़े रहे कहन दादा तलायक जुगाड़ है कहन बेटा लखनऊ आई हिया 5 रुपया परत है गोहूँ बेच रहे हैं 5 रुपया पकड़ा हम कहा लियो हम कहा हगऊ कहीं हम कहाँ हगई भाई कमरम उतर जाओ निकलियो गैन जैसे पल्ला खोलें देखें बढ़िया चौगिरदा टाइल लगी पत्थर जड़ा उमा हमार शकल दिखाए पड़े जैसी निहारी वैसी शकल दिखाए पड़े ऊपर बढ़िया पंखा चले नीचे भैया मत्ता बड़ा चूल्हा गटा तो हमारे दिमाग मावा की रसोई घर हुआ है हम कहें इतने सुंदर घर में हग के हम रेगा न करब हम दिहाती मनई हमका का मालूम ले रहे नगौछा आराम से बिछा दी हम सोचे लो तलाए फिर ले बाहर निकरब कहूँ फेंक दिया आराम से गौछा बिछान तलाए फिरन गठरेवा बांधित रहा तब तक बाहर से बुढ़ौना घोरा दी कैसे बे 5 रुपये खरीद रखे हो ऊके आवाज पोते पर मारे डर के गठरी उठान पीछे गटर आग झरोखा हम सोचे ले झरोखा गली बहा दे कि मैं जाने न पावे और जैसे गठरी उठान भैया वही झरोखम बहायन बस वह गठरी झरोखा बजा ससुरी वो परे पंखम लपिट गए जज जस पंखा चलत तब पूरे कमरा भरे हम गोहे गो हम गहन तब नहीं अपना साथ रहा नीचे हगले तब थोड़ा मोह तब पूरे कमरा भरे होएगा तब तक वो बाहे से पल्ला दीज खोल उके निगा कमरा गो के बोलती बंद कमरा निहारे थे कहे हमार मुँह निहारे तो हम समझे नहीं गुस्साए गम मारी जरूर हम कहें तुरंत निकालें 150 का नोट पकड़ाएं हम कहा दादा लियो कमरा धोवा डाले वो कहा जने सिरदी रहा है कहा भैया वो निकाली 600 नोट हमका दीज हम कहें दादा नोट हमका कहे पकड़ावत हो कैसे बेटा यू बताओ तुम कौनी डिजाइन कौनी तरकीब से हक गए हो हकी के देखो
हम कहें तब नहीं अब नब काहे इतना हक पैब काहे लौट के हम घर का जेब। हम कहें दादा देखो जो भंडारम खाए रहा निकर का अब जुगाड़ नहीं है। वो सिरी में नहीं गटई पकड़ी लेगा होटल में खोस दी कहे खा बेटा होटल में कतना खाइय मुलाज हक के देखो वो हक सहारे में बैठ मारे दिन के हमारे खाना हजम नहीं हुए। हम सोचे इनके हाथ मदद से अच्छा की खाते खाते मरी जाओ खाक शुरू कह दी 800-900 रुपये खा डाले मरे कोनो संभावना ही नहीं। तब तक होटल वाला लेके पन्ना निकला हिसाब करे वो बेटा उधर हिसाब कर हम नीचे सड़क के भागें जान बची लाखों पहन लौट के आप लोगों की सेवा करे आए। आज रात भरे के लिए हमारे मुँह में बासीर हो गया और रात भरे में अगर हमसे कोई गलती हो जाएगी तो कृपया करके आप लोग हाथ जोड़ करके हमसे माफ़ी मांग लेना क्योंकि हम आपके बच्चे आप लोग हमारी औलाद हैं।